باید تأثیری از گسه نیشنال زیانون اچه ظلم اچه بجلی پیتور اچه تا پانس پاس کلو دیوان تومول اچه نه حکان قیرتن گریب گربات مزور تولا چور کلو مویل انلاسم یعن اچه یو حکومت آئی اچه یو سطح مزیبت بچه اچه سطح ظلم اس مزیبت بناون پانی لیڈر اچه پانی لیڈر بناون کیا اچه یہ گئی ظلم بیلڈنگ آن پیٹ مکان آن پیٹ ہر لک آن پیٹ मलरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और डीसी ऑफिस श्रीनगर में हम इस वक्त मौजूद है। जैसे जैसे असेंबली इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। हम चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, एनसी पीडीपी अपनी पार्टी, अवामी इतिहादी पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें, हम देख रहे हैं कि अभी नॉमिनेशंस का सिलसिला जो है लगातार जारी है। यहाँ पर नॉमिनेशंस के लिए अपने कैंडिडेट जो है वो अपना नॉमिनेशन सबमिट करने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी एनसी की जानिब से जो है तनवीर सादिक ने अपना नॉमिनेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट किया। इसके अलावा और भी पॉलिटिकल लीडर जो है उन्होंने भी यहाँ पर अपना नॉमिनेशन सबमिट किया। क्या कुछ खास रहा इस रिपोर्ट में और क्या लोगों का कहना है, आइए देखते हैं। मैं अच्छा ऐसे ही आज किसे नेशनल जीवन अच्छे जुलूम अच्छे बिजली फी चोर अच्छे तो पांच पांच किलो दीवान तोमल अच्छे ने हकान कर गरीब गुरबात मजूर तोल चोर किलो मोल अन्ना सम अच्छे उस नेशनल राज ये ब्रो तो अच्छे उस पांटल बाबू तोमल तारा जान ऐसे यू हुकूमत आए ऐसे यू सटा मुसीबत अच्छे सटा मुसीबत ऐसे पाने ईमानदार बाकी छुना ऐसे किहीन اچھے سٹا ظلم اس مزید شاء اللہ رحمان شاء اللہ رحمان یہ سم پردیس صاحب کامیاب ہے حلقہ سنوار اور بٹمال آدھا لائجن سوٹوں زورا شاء اللہ نیشنل کانفرنس آنے والا بناؤن پانی لیڈر اچھے پانی لیڈر بناؤن کیا اس کی یہ گئی ظلم بلڈنگ آن پیٹ مکان آن پیٹ ہر لک آن پیٹ नौकरी छस कह बनो नबरम लीडर अम तुल बड़ सतम मीटर लागन स्मार्ट मीटर लगन अच्छे तीस गुजारिश कह पावर खोल तब्दीली आज पा लीडर अस तब्दीली इंसाफ मैनिफेस्टो हमने बनाए इसीलिए है ताकि हुकूमत साजी में जो मैनिफेस्टो एनसी ने बनाया है उसी तरजीह पे उसी बुनियाद पे उसी स्ट्रेटजी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस है जो है उसी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी। और आज का जो वोट है सिर्फ डेवलपमेंट बुनियाद पर नहीं है, आज का वोट जो है ये शिनाख्त का मामला है, हमारी पहचान का मामला है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जंग जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से बिलखसूस कश्मीर की तरफ से कश्मीर जो मरकज के साथ लड़ रही है उसके लिए हर एक फर्द में ये सियासी जिम्मेदारी इखलाक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद कैंपेनिंग करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। इनको जितने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतारने होंगे उतारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक जो है न कभी वो टूटा है न कभी टूटेगा। इनके प्रॉक्सी कैंडिडेट्स से इनकी दूसरी जमातों के साथ अलायंस से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, आने वाली हुकूमत जो है इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। को मैंडेट दिया था मगर इन्होंने यहाँ किसी निशान पे वोट डाला मगर वो कहीं और पे पड़ गया। जवाब उसका बदला इस बार वोट 10 साल के बाद लोग वोट डालेंगे और उनका नामो निशान खत्म करेंगे जिन्होंने यहाँ का वोट बेचा था। 2014 में उन्होंने कश्मीर के लोग का मैंडेट बेचा है, लोग जवाब देंगे और मुंह की खानी पड़ेगी पीडीपी को। बर्दाश्त किए जितनी तकलीफें पिछले 5 साल से उसका घर और वो उठा रही है वो कश्मीर के लोग समझते हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इस बार मौजजाती तौर पे, ये लफ्ज मेरा आप नोट कर ले, मौजजाती तौर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कामयाब तरीन पार्टी के तौर पर उभरेगी।